एक तरफ प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए मरीज करा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। मरीजों के परिजन चिंता और डर के साए में जीने को मजबूर है। कोरोना महामारी के चलते भोपाल के हमीदिया अस्पताल समेत प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीज भर्ती है और सही से इलाज ना मिल पाने की वजह से मरीज के परिजन परेशान हो रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से कई बार जूड़ा से हड़ताल वापस लेकर काम पर लौटने की अपील कर चुकी है। जूनियर डॉक्टरों की मांगे मानने का आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया जा चुका है, लेकिन सरकार और जूड़ा की इस जंग का खामियाजा कहीं बेकसूर मरीजों को अपनी जान देकर ना भुगतना पड़े। सर है ना, इधर इलाज करवाने आते हैं तो है ना, आते हैं तो कह देते हैं ना अभी उधर जाओ इधर जाओ, अंदर आने नहीं देते। और क्या है ना, अन्य 2-3 रिश्तेदार आने खत्म भी हो गए कोरोना चक्कर में, तो ऐसा कहाँ ही चलेगा। कहना जो लोग है ना हड़ताल पे बैठे जनता के है ना लाश के ऊपर आदमी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। गरीब इतनी मुश्किल हो रही है ना, भगवान की दुआ कर रहा है बचा ही नहीं रहा है बस आदमी, नहीं कि नहीं रोजाना रिश्तेदार मर रहा है, कम से कम नहीं 10 रिश्तेदार मर गए। मैंने मेरे रिश्तेदार भर्ती हैं, परेशान हो रहे, डॉक्टर लोग छुट्टी पे मर रहे, आ नहीं रहा, इलाज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत होता है, बाकी जो सब सुविधा मिलनी चाहिए पूरी वो नहीं मिल रही है। हाँ, जान से खतरा कोरोना है ना, बीमारी तो यही तो खतरनाक बीमारी है ना, अकाल तो मौत हो रही ना, ये यही चक्कर है ना, इसलिए नहीं तो आगे हो नहीं ना। क्यों हड़ताल पे है डॉक्टर लोग, हड़ताल क्यों है? जब डॉक्टरों को दूसरा भगवान का रूप दिया है तो फिर क्यों नहीं आ रहे डॉक्टर लोग? डॉक्टरों को जान बचाना चाहिए ना मरीजों की, है जरिए मरीज इसके लिए तो आए, मरीज के अस्पताल में आते हैं भगवान के पास के इलाज हो अच्छे होके जाए, वो तो और मर के जा रहे हैं यहाँ से, लाश ही जा रही हैं।